और उधर बाराबंकी में उड़ा अमित शाह का पांडाल। अमित शाह के पांडाल पर मौसम की मार पड़ी है। बारिश के मौसम के चलते वाटरप्रूफ पांडाल बनाया गया था, लेकिन आंधी तूफान में ये वाटरप्रूफ पांडाल उड़ गया है। कुछ ही देर में बाराबंकी पहुंचने वाले हैं अमित शाह। जीजीआईसी ऑडिटोरियम में बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। 14 जिलों के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। कार्यक्रम में करीब 30,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो पूरा जो वाटरप्रूफ पांडाल था वो उड़ गया है। मौसम अचानक बदला और इसी को देखते हुए यहाँ पर वाटरप्रूफ पांडाल बनाया गया था, लेकिन टिक नहीं पाया आंधी तूफान में, पूरा का पूरा पांडाल उड़ गया है। हालांकि थोड़ी देर में ही अमित शाह बाराबंकी पहुंचने वाले हैं, जहां पर हजारों बूथ कार्यकर्ताओं को वो ये बताएंगे कि किस तरीके से बूथ पर मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन आंधी तूफान में फिलहाल वाटरप्रूफ पांडाल उड़ गया। तमाम कोशिशें की जा रही, क्योंकि अमित शाह थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस पांडाल को बनाया गया था, लेकिन तेज आंधी आई जिसकी वजह से पूरा का पूरा पांडाल उड़ गया है। और जो रैली स्थल था, जहां पर कार्यकर्ताओं को बैठना था, जहां पर लोगों को बैठना था, वहां पर भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जितनी उम्मीद थी कि लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उतनी तादाद में नहीं पहुंच पाएंगे लोग। अमित शाह थोड़ी देर बाद बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पांडाल की, जो कि पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, उड़ गया, वाटरप्रूफ बनाया गया था। मौसम चूंकि खराब था, लेकिन आंधी तेज आई और इसी में पूरा का पूरा पांडाल उड़ गया। अब चूंकि थोड़ी देर में ही अमित शाह पहुंचेंगे बाराबंकी, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को वो टिप्स देंगे कि किस तरीके से चुनाव के वक्त बूथ लेवल पर मैनेजमेंट किया जाए। लेकिन उससे पहले ही पूरा का पूरा पांडाल बारिश में भीगा और उसके बाद उड़ गया। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, थोड़ी देर में ही अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन पांडाल तो उड़ चुका है। बिल्कुल अमित शाह थोड़ी देर में यहाँ पर बाराबंकी में जो अवध बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन है वहाँ पहुंचने वाले हैं। पंडाल की अगर आपको बताएं तो तेज बारिश और आंधी की वजह से पंडाल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, जिसके चलते जो ऑडिटोरियम जो चौड़ा रस्ते था वहाँ पर कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया गया है और वहाँ पर अव्यवस्थाओं का दौर साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है वो पूरा है कि उसमें कहीं भी व्यवस्था का बदहाली की व्यवस्था उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही है और अमित शाह के आने का इंतजार उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। विकास, शुक्रिया अभिषेक मिश्रा आपका इस जानकारी के लिए।